हाय गाइस, वेलकम टू अनदर रिएक्शन वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए इंस्टाग्राम रील्स पे रिएक्शन। काफी टाइम हो गया है मैंने ना इंस्टाग्राम रील्स पे रिएक्ट नहीं किया है। सो इसमें है ना कुछ एलविश के भी वीडियोस होंगे एंड कुछ कटारिया जो भी बिग बॉस में गए उनके भी काफी सारे रील्स में लेके आई हूँ। सो यस गाइस, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यार होगा मेरे से। मैं भाई मेरे मुंह मार रहा, किससे कर रहा? कहना कटारिया से कर देना सारा खुद कर रहा, मैं स्लेटर नु कर रहा भाई भाई मेरी जैसे वहां पहन रखा है तो जिस नजर से देख रहा था ना। एक बात बताऊं, मैं ना ऐसे देख रहा हूँ, वरना मेरी नजर ऊपर जा रही है भाई। भाई आज एक बहुत पुरानी बात याद आ गई मेरे को। बात ये है, कुल 24-25 साल पहले की है, एक गलती हो गई थी। अरे कुछ कही है कटारिया के मम्मी पापा से। भाई बताओ, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तू तिनका ही है भाई मेरा। चोर की दाढ़ी में डीएनए, डीएनए चोर की दाढ़ी में। सीधे सीधे, अरे ये अच्छा, ये मुझे लगा वो है क्यूट वाला जो उसने मारा था लड़की ने। यार मैं मिस कर रही हूँ एल्विश। चले बताते यार, मैं मिस कर रही हूँ एल्विश के न्यू चैलेंज वीडियो को। ये पूरा मुकाबला एल्विश यादव, भाई एल्विश है नहीं इस जगह पे, फिर भी एल्विश है। एल्विश सीजन 17 में भी नहीं था, फिर भी एल्विश था। एल्विश बिग बॉस ओटीट इतनी में नहीं है, फिर भी एल्विश है। मतलब पिछले 3 सीजन एक ही बंदे के नाम पे चल रहे हैं, तो आप ये अंदाजा लगा लो भाई उस बंदे में कितना कुछ दम था, उसका क्रेज कितना था, उसकी फैन फॉलोइंग कितनी थी, ये साफ नजर आ रही है। अगर आज कोई बोलता है कि भाई एल्विश के जो है कटारिया का तो फैन जो है एल्विश के फैन कटारिया को सपोर्ट क्यों ना करें भाई। कंटेंट क्रिएटर्स भी लाइक एल्विश। लोकेशन बता। श्रवण भाई कह रहे हैं हेलो ब्रदर का पार्ट 3 का भाई। ये ब्रदर, हेलो ब्रदर, ये क्या? पर जब से मैंने उसे देखा ना भैया, मेरे तो दिल की धड़कन बढ़ गई भैया। जब वो पीछे पलटती है ना यार, मैंने भी नहीं देखा ये हेलो ब्रदर वाला। एलविश का होगा कोई एपिसोड भाई, मेरा तो दिल धड़क रहा है यार। अबे सबका नहीं धड़कता भाई, मेरा तो पहली बार धड़का इस लड़की को देख के यार। यार पता नहीं कब देखने को मिलेगा फिर एलविश। भाई नेजी भाई, तुम्हारा नाम आता दड़ियल है? एलविश दड़ियल, तुम्हारी भी तो दाढ़ी है ब्रो, तुम्हारी मस्त है। मैं तुमको नाम दूंगा तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा भाई। ठीक है मत दो भाई। बस नहीं ब्रो, एनिमल प्लेनेट पे होना चाहिए तुम। एनिमल में मैं शेर हूं ना। कटारिया की ये बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है ना, बिना फालतू का ना लड़ रहा है ना कुछ कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, एकदम कामली हैंडल कर रहा है बिग बॉस में जो कटारिया गया है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मुझे लगता है ट्रायो सना विशाल एंड इसका नहीं बनेगा कटारिया का, ट्रायो बनेगा शिवानी विशाल एंड कटारिया का, ऐसे मुझे लग रहा है। इंटेंशन आ रही है एंड एक और इंटेंशन आ रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि बिग बॉस में इस बार ही निश्चय जा सकते हैं, ऐसे लग रहा है। क्योंकि कटारिया ने एक ताना मारा था ना, पड़े रह जाएंगे 20 मिलियन में भी उसको क्लियर करने के लिए आ सकते हैं, हो सकता है ऐसा, बट फिर भी कटारिया जीतेंगे, अगेन हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी, मजा आ जाएगा। जस्ट सर इंट्यूशन में लग रहा था तो आपको बता दिया, आपको लग रहा है तो बता निकाल दोगे हमारी हस्ती निकालो। कटारिया ने सिर धो दिया, क्या बात है नेजी। ये जो हंस हंस के बना आज लेजी, क्या चीज है हंस हंस के फुल ऑन प्यार मोहब्बत से प्यार सही में बहुत प्यार से, प्यार से ले रहा है कटारिया। लेजी आज बना लेजी, करेगा कुछ करेजी। इनको बहुत शौक है ना राइमिंग बनाने का, सना एंड डेजी को, नेजी डेजी जो भी है, न्यू लफड़ा लोडिंग। ये मैंने बहुत ज्यादा देखा यार रील्स में, पागल कहीं का जोगिंदर, इसकी तो शक्ल ही नहीं पता। ओ याद आया भाई साहब, एल्विश का न्यू सॉन्ग ब्रांड यादव 2, क्या टीजर था, बाप रे क्या टीजर था, बेस्ट टीजर था आज तक का, मुझे बहुत पसंद आया गाइस, मजा आ गया टीजर देख के, इतनी एक्साइटेड हूँ सॉन्ग पे रिएक्शन करने के लिए। हाँ मैं बोलती रही हूँ कि कॉपीराइट लग जाता है बट दूसरों को नहीं लगता है, तो मैं इस बार ट्राई करके देखने वाली हूँ क्या लगता है कि नहीं लगता है, देख लेंगे, थोड़ा सा रिस्क ले लेंगे। बिकॉज टीजर मुझे दिल से पसंद आया, बहुत ज्यादा पसंद आया, खास करके एल्विश का ये वाला लुक खतरनाक लुक था ये वाला एल्विश का, ऐसे में बड़ी सख्त लौंडी हूँ।
मैं भी जितना देखा वो तो गया। सॉरी बहुत ज्यादा बोल गई मैं आज। सिस्टम बताया ना करे है, सिस्टम दिखाया करे है। आप फंस गए सना। सना दोगली निकली यार, बिचिंग कर दी कटारिया की। लेना चाहते थे ले बुटिया बिग बॉस की स्क्रिप्ट पर। आपको किसका ओपिनियन, ये एपिसोड ही देखा नहीं यार मैंने, थोड़ा बहुत ही विशाल को चूज करूंगा ना। सबसे बड़ा तो विशाल का है, बताइए लवकेश तो मुझे उसके ओपिनियन कचरा लगता है। हम एक दिन बना रहे पता नहीं शिट यार, इतना ज्यादा टारगेट किया जा रहा है ना यार इन दोनों को, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बट वो भी अच्छे से ले रहे घर वालों की, ऐसे नहीं वो छोड़ दिए राव साहब अदर किए बस सिस्टम। ये अलविश की वाली एंट्री मुझे बहुत पसंद आई थी, पूरा ऐसे काफी लेके चलता है भाई, क्योंकि उसको जरूरत है बॉडी गार्ड की, लोग चिपक जाएंगे। एक अच्छे दोस्त में क्या देखना चाहिए भाई? वाइफ। एक अच्छे दोस्त में देखना चाहिए कि भाई आपकी वाइफ कितनी मैच हो रही है और आपके साथ में एंजॉय कितना कर रहा है, अगर गलत काम भी करे तो साथ में गलत काम कितना मस्त हो रहा है, गलत काम। मैं सोच रही थी कटारिया एंड एल्विश के ओल्ड ब्लॉग में रिएक्शन लिखे हूँ, मतलब जिसमें कटारिया एल्विश के साथ डिस्कस तो होता रहेगा। तुम मेरा डांस देखो। और सुबह पता है भी क्योंकि आदत पड़ गई है लट पड़ने की ना गाने की, मैं अकेला नहीं हूँ, हर कोई सुबह चद्दर उठा के तुम मार डर होता है कि अब गाना बजने वाला है। दिन गाने से ही उठ रहा हूँ, तू भी मैं अब तो कपिट रहे हैं कपिट। अच्छा सॉरी, चादर उठा के तू मार सूटी है, सॉरी मुझे सोने दो। उड़ता पंजाब कंटिन्यू से भी तीन चार बार बजा रहे लोग, अब बंदा ढीट नाच नहीं रहे, बंदा ढीट लड़के जो भी आते हैं ना बिग बॉस में कमी नाचते हैं। अभिषेक को देख लो, एल्विश को देख लो, कटारिया को देख लो, नाचते नहीं है, पता नहीं क्यों, नाचो यार क्या होता है, कुछ नहीं होता है। एंड बहुत मजा करवा रहे यार ये दोनों, भले ही मैं विशाल के साइड हूँ बट फिर भी वो जो उड़ा रहा था ना कच्चा बादाम, इतना मजा आ रहा था देख देख के, बहुत हंसी आ रही थी। एंड सना का इतना बुरा लगा वहां पे जाके, बोले तुमको ऑफेंड क्यों कर रहा है, अगर कोई तुमको मतलब कच्चा बादाम से तुमको क्यों ऑफेंड हो रहा है, वो तुम्हारा दोस्त है, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। सना अजीब ही है, सना भी भाई साइड लेने के बदले उसको बोल रही कि तुझे ऑफेंड क्यों हो रहा है उसको, तुम देख रहे हो तो अंडरलाइन क्यों करना है इस बात को। बढ़िया भैया तुमने मेरे जूता फेंक दिया, कटारिया सुसी यू लग रहा हूं पहने मेरे शूज ले 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 लेना, ये कौन से पहने सारे तेरे मेरे साइज से ही भेजा, इसका जूता फेंक दिया था शिवानी का, ब्राउन नीले और ब्लैक जा पहन ले अपने में मस्त रहता है वो, मतलब इसके बारे में तो मैं कोई कमेंट ऐसा सच नहीं दूंगी। शेरू दे दो इसका कोई। और ये तो था अमेजिंग, एल्विश ने भी कमेंट किए
एल्विश ने भी कमेंट किया है, मेरे को दिखा ऊपर ऊपर, लक्ष्य ने भी, ओए ओए ये तो नहीं देखा मैंने। मजा आ जाता है दोनों की। इन चारों की जिंदगी इसी तरह चलती रहती है अगर इनकी जिंदगी में ये तूफान नहीं आया होता। ये तो आइकॉनिक लुक है एल्विश का ब्लू शर्ट। दीदी आपके ऊपर ना ऐसा पैर रख, गलत टाइम पे एंट्री ले लिया, मुझे ना ऐसा रख कर देने का मन कर रहा था, बस कटा रही आपको शक्ल देखिए। साई केतन से एक्सपेक्टेशन बहुत थी अच्छा खेलेगा बट साइलेंस आया बहुत ज्यादा एंड पीछे बिचिंग टाइप। ही हैज परफेक्टली मास्टर्ड द आर्ट ऑफ सरकैज़म। ये हिया है ना, ये भी बहुत अच्छा कंटेंट बनाती है, मैंने इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखा है बिकॉज एल्विश का जो वो कंटेंट डालती है और ज्यादा प्यार हो जाता है एल्विश को, मुझे पसंद आता है टू बी ऑनेस्ट। यू ओनली लाइक हिम बिकॉज ऑफ हिज लुक्स, द साइडर ऑफ हिम आई एक्चुअली फेल इन लव विद। हाय दिस इज कटारिया, दिस इज कटारिया, मी आफ्टर वॉचिंग कटारिया। गाइस मैं स्कूल में पढ़ूं पर यू छेड़े हैं, कितनी गंदी चोरी लग रही है यार, बोल रहे चुरा कर खा जा जो। बहुत फनी है यार ये तो। इन द एरा ऑफ भाई साहब रानी होनी चाहिए एक, वो भी अपने दिल के करीब, 35-36 का कोई हिसाब नहीं है, लॉयल्टी में बिलीव करते हैं, एक एक ही बंदी होनी चाहिए जिंदगी भर है ना, और एक उस एक ही शादी होनी चाहिए भाई हमारे धर्म के साथ। आए तुम्हारे बाल है रंगीन हाथ में तेरे है गुठी, तेरे बाल है रंगीन हाथ में तेरे है गुठी, बाबा तेरे बाल है रंगीन हाथ में तेरे है गुठी, हाँ प्लीज सोजा मेरी बेटी। ओह बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था ये तो, मुझे लगा कुछ और ही बोलेगा। हाँ बेस्ट फ्रेंड्स, ये वे किस वीडियो की क्लिप है मुझे बताना ना, किसके ब्लॉग का क्लिप है, मैं देखूंगी, मैं देखा ही नहीं है। बिग बॉस अरमान भाई और पायल भाभी का, कृतिका भाभी का, कृतिका भाभी का, इनको मुझे पायल कहता हूँ, कोई बात नहीं ये भी बोल देते। अरे बाप रे, ये चिल्ले, ये जो है ना लड़की कृतिका चिल्ले भाई दूसरों का घर का चिल्ले ही कटारिया थे कोई कुछ तो फिर मेरे सहन ना होगा। बोलते ना हथियार बोलते जट क्या मैं, कोई कुछ कहता नहीं कटारिया को, करते हैं लोग। और बिग बॉस OTT3 साला मुझे तो लग रहा है साला हमारा नाम लेके चल रहा है भाई, और सबके नाम बीप हो रहे हैं बस मेरा नाम बीप नहीं हो रहा, नोटिस करी तुमने वाली बात, सिर्फ मेरा नाम बीप नहीं हो रहा। वे कटारिया भाई सेड जो पसंद है वो हर चीज में पसंद है। आए, अब तू कब होगी इनकी शादी, दरिया तू ही प्यास तू ही दिल की बेकरारी, तू सुकून तेरे दिल का शहर। ये मैं कटारिया की शादी के लिए डबल मतलब कटारिया की शादी होगी इसके लिए एक्साइटेड, तो डबल एक्साइटेड इसलिए मैं भी कीर्ति और एल्विश मिले। इमेजिन जस्ट इमेजिन क्या मजा आएगा यार।
लगी कुछ होगा, पहली बार देखा रोने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। उसके ऊपर रणवीर का क्लोजअप लगा हुआ है और रणवीर बात कर रहा है और नीचे ऑडियंस चैट में कटारिया फॉर विक्ट्री, ये देखा हुआ है मैंने, सिस्टम 2.0 हमारा विनर कटारिया। हम लोग सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर रणवीर और नीचे ये कुछ भी चले, ऊपर नीचे कटारिया, तो ऑडियंस कंफ्यूज्ड है। कटारिया आप ही मुझे बताओ ये लोग है, मैं बताऊं सिस्टम है, ये अलविदा शर्मा है। What if he looks just new like this? मार दो मार दो। तूने मुझे इतना प्यार दिया, मैं जब भी जहां कड़ी धूप में था, तेरी जुल्फ ने मुझ पे। इस वक्त सैंडविच काफी ज्यादा ऐसे परेशान से लग रहे थे, मतलब ऐसे टैलेंट वाले। एलविश यादव इज अ गुड हार्टेड पर्सन, वो तो है, हमको ही पता है एलविश आर्मी को। एक्सक्यूज मी ब्रदर, भाई क्या कर रहे हो तुम यहाँ सड़क पे, देखो। एक्सक्यूज मी ब्रदर, उठा लो भाई इसके को, मार जाओ। लाखों लोग सामने से गुजरे होंगे बट रोका किसने, एलविश ने, जिसको चिंता है, जिसका दिल अच्छा है। अरे पीछे से टक्कर मार जाएगा कोई, तुम साइड में लगा के सो जाओ, साइड में लगा के सो जाओ। थैंक्स मैन, थैंक यू, कितना प्यारे बोले एलविश, उसका हक टच कर गया। उसने जब एंड में हक किया ना तो बहुत ही जेन्युइन था, जब उसे समझने की कोशिश की तो मुझे उसका रियल साइड दिखा कि वो एक समझदार बंदा है। अगर उसे दो मिनट बैठ के अगर कुछ समझाओ ना प्यार से, भले आप अगर उसे हक जमाना चाहो ना तो हक जमाने देता है, क्योंकि वो ऐसा इंसान है, नाइन इंसान है जो 24-25 साल का है और उसमें समझदारी है, उसमें ज्यादा गहराई है, वो समझता भी है और उस गहराई में हम सब पूरी एलविश आर्मी डूब गई। एलविश अभिषेक एंड मनीषा कटारिया विशाल एंड सना लाऊं, बाबा उनकी ओर ना हो सके, जो तीनों पहले आए थे वो तो वो है। वैसे इसको भी रनर अप रहने की आदत है। सो अभिषेक व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मुझे ऐसा लगता है कि ECL में वोटिंग नहीं है तो इस बार हम जीत ही जाएंगे। आर यू चैलेंजिंग मी? यार बड़े गोरी है ये, चैलेंजिंग है। रंग लगे दिशा में क्यों चलने से मेरे पैरों को पंख लगे। यार वो एलविश के हाथ पे बैठी है, देखो दिख रहा है। नजर ही नहीं मिला था फोन में, ऐसे पुतला नहीं बन जाते, शॉक लग गया हो वैसा टाइप। एलविश का फेस देखो, इतनी हंसी आती है ना जब भी मनीषा आती है ना सुबह, एलविश का फेस देखने लायक होता है, तब मजा आता है ना देख के। एलविश के तारिया को सपोर्ट करे वो गलत, मेरा भाई अंदर है और तुम लोग बाबा जीत के आना, पूरी कम्युनिटी लोगों को बुला के नाजी को सपोर्ट कर रहा है। तू बस अपना लगा दुबला बिग बॉस नेजी के लिए आज, और क्या बात है, मुझे दो लाइन और ऐड करके सुना दो, मजा आ गया। यहाँ पर रफ्तार आकर के रेगुलरली उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि हम बाहर संभाल रहे हैं तो अंदर संभाल रहे हैं, हम सब लोग तैयार हैं। तो यहाँ पर कटारिया को अगर एलविश या व्हाटएवर फैन फॉलोइंग्स अगर सपोर्ट कर रही है तो क्या प्रॉब्लम है, एलविश इज हेल्पिंग कटारिया और एलविश फैंस आर हेल्पिंग कटारिया, व्हाट द इन दिस प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि ये तो बड़ा सिंपल है ना। कुछ हरकत करती रहती है वो, अकेले बैठ के कैमरे से बातें करी, डांस कर रही, कुछ कर रही, देखो डांस कर रही, वो उसके दिमाग में चलता रहता है ना ऐसे कैरेक्टर, वैसी शो वो प्लान बना लेती पहले कि अब मैं ये करूंगी। बहुत शाने रहते हैं भाई, कनिंग बोलते हैं ना, कनिंग कनिंग उसने, ये ना वो अपने बारे में बोल रही है, उसको बोलने दो हमें क्या है।
वो अपना वो खुद का बोल उसको ना, तुम कितना ही बोलोगे ना यही कहेगी कि मेरा मन में जो करना चाहूंगा और वही करती है, उसको समझ में समझा नहीं सकते कुछ, उसका मन में वही करेगी भाई, वो सही है और उसके लिए ठीक भी है, वो करती रहे हमारा क्या। दूसरों के लिए वीकेंड कटारिया की ये बात बहुत अच्छी है, पीठ पीछे नहीं बोल रहा है किसी के भी, पीठ पीछे कुछ भी नहीं बोल रहा है, बोल रहा है अगर किसी कोई कटारिया को भी आके बता रहा है ना, तो बोल रहा है तुम जाके उसके फेस पे बोलो, बहुत अच्छी बात है मुझे कटारिया की। तो कराओ पर पिज्जा फर्स्ट टू एल्विश, एल्विश वेटेड वेट फॉर वेटेड फॉर फुकरा टू फर्स्ट वेट वेटेड जो भी है यार, धड़कन ये कहती है कहाँ गए ये दिन, लुक्स वेरी डार्क। पहला आइटम है सना का, सना सुल्तान का अंडरवेयर भाई, ये कहाँ से उठा के लेके आए कुएं में। इसके लिए मेरी विश है कि घर के राशन के जितने अंडे हैं वो डबल हो जाएं। अबे क्या है मॉर्निंग डांस ऑफ 43 गर्ल्स 32 गर्ल्स, ये तो थी जहर सच्ची में, आशिका तो बहुत बढ़िया। जब किसी बंदे कोई भी बात करी जाती है उसको कहते हैं चुगली, हम किसी को भी नाम दे रहे हैं, किसी को भी टाइटल दे रहे हैं, किसी को भी कुछ कह रहे हैं, हमने इसको दिया था कल रात को, दिया था नहीं दिया था टाइटल एक, हाँ बट क्या भी बोला था कि दोस्त है, ये नहीं बोला था तो ये कैसी दोस्त है इसको गंदा टाइटल दे रहे हैं, नहीं भाई क्या क्या बात कर रहा है तू कटारिया, इसको क्लेवर शानी बोल, नहीं भाई मेरे लिए मैं तेरे को कभी शाना क्लेवर बोल दूंगा तेरे पीठ पीछे, बता नहीं बोलेगा, मैं दोस्त उसी को बोलता हूँ जिसके पीठ पीछे मैं ऐसा टाइटल नहीं दे सकता, तो तू भी ना कुछ भी सोच तेरे ऊपर है, बट उसको फिर अपना दोस्त मत बोल, उसको वो रख कि हम इससे बात करता हूँ। यार ये हरियाणा के सब लड़की कितने प्योर आते थे यार, कटारिया को देख लो तुम, मतलब दे केयर फॉर अदर्स। सिस्टम से भी ज्यादा क्रेजी, सारी दुनिया की ऐसी तैसी, इधर तेजी उधर नेजी, तुम्हारी ऐसी तैसी करवा ली ऐसी तैसी। एल्विश आर्मी किसी को नहीं छोड़ती भाई, किसी को भी नहीं, तुमने एल्विश को कुछ बोला उधर एल्विश आर्मी आ गई तुम्हारे पास नहीं छोड़ेगी, फिर डर के रहो भाई एल्विश आर्मी से। सो एनीवेज गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको कैसा लगा? यस गाइस बिग बॉस ने कटारिया को सपोर्ट करी है, बहुत अच्छा आना कर रहा है कटारिया, ऐसे कुछ भी पीछे पीछे कुछ नहीं कर रहा किसी के, बहुत प्योर हार्टेडली खेल रहा है कटारिया, प्लीज उसको सपोर्ट करिए आप लोग, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, वैसे तो कर ही रहे हैं आपको बोलने की जरूरत नहीं है। एंड यस गाइस मुझे भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।